हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इनफर्टिलिटी के बारे में। और इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज होते हैं और जो एक कॉज बहुत बार निग्लेक्ट हो जाता है, जिसके बारे में ध्यान तक नहीं आता है, दैट इज फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज। और इनफर्टिलिटी के 40% ऑफ केसेस में फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज ही रीजन होता है जिसके कारण आपका बच्चा जो है वो नहीं ठहर पाता। फेलोपियन ट्यूब्स एक्चुअल में जो ट्यूब्स हैं वो ओवरीज को, यानी कि जो जहाँ से अंडे बन के आते हैं, जहाँ से फॉलिकल बन के आते हैं, उसको वो ज्वाइन करती है आपके यूट्रस के साथ, यानी कि बच्चे बनने के साथ। तो वो ट्यूब से जो अंडा है, यानी कि जो फॉलिकल है, वो मेच्योर होके 20 से 22 mm के साइज तक पहुँच कर वो अच्छे से आपके ट्यूब में आता है। एंड देन आप ट्यूब में ही वो जो है वो एक स्पर्म से मिलता है जो कि मेल जेनिटल से आता है। उस स्पर्म से मिलने के बाद वहां पर ही उसका एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। एंड फिर वहां से वो ट्रेवल करके आपके बच्चेदानी यानी कि यूट्रस में आकर वहां पर इम्प्लांट हो जाता है एक बेड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जिसमें वो एम्बेड हो जाता है, उसका साइज भी 8 से 10 mm होना चाहिए। और जो फॉलिकल क्वालिटी है जिससे फर्टिलिटी अच्छी होगी, उसका साइज भी 18 to 20 mm जो है होना चाहिए। और साथ के साथ इन दोनों चीज़ों के साथ साथ आपकी ट्यूब जिससे उसको पास होना है वो भी खुली होनी चाहिए। अगर वो ट्यूब ब्लॉक रहेगी तो वो जो जायगोट है, या तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी क्योंकि ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि वो मिलते हैं और एक एग, जिसको आप इसको एम्ब्रियो बोल सकते हो, वो बनता है। तो अगर ट्यूब ही ब्लॉक रहती है तो ये सब नहीं हो पाता है। ट्यूब ब्लॉकेज के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉजेस हैं ट्यूबल ब्लॉकेज के? फर्स्ट कॉज है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, आप सिम्टम्स के तौर पे ऐसे जान लीजिए। सेकेंड इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। आपके पेल्विस में, यानी कि लोअर पार्ट में, किसी भी तरह की इन्फेक्शन रहती है, अगर बहुत देर तक रहती है और इन्फ्लामेशन या सोजिश हो जाती है, तो सोजिश जो है वो धीरे धीरे बच्चेदानी से ट्यूब पर भी ट्रांसफर हो जाती है। और जो ट्यूब में सोजिश हो जाती है, वो ट्यूब जो है वो नैरो हो जाती है, उसके अंदर से कुछ भी पास नहीं कर सकता। और जब वो बहुत देर तक ऐसे रहती है तो उसमें से वो पक्का ऐसा ही इन्फ्लामेशन से ट्यूब जो है वो अंदर से गंदगी जमा होने से कह लीजिए, या उसकी अपनी सोजिश के कारण ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है। थर्ड इज अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रही है आपको, कभी भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी, अगर आपके ट्यूब में ही प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो उन केसेस में भी देखा गया है कि बाद में जो है वो ट्यूबल ब्लॉकेज देखी गई है। फोर्थ इज अगर आपके रेकरेंट एबॉर्शंस हुए हैं, बहुत बार आपका बच्चा ठहर के खराब हो गया है, उस केसेस में भी इन्फेक्शन जो है वो यूट्रस से ट्यूब में चला जाता है और ट्यूब जो है वो ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। या फिर अगर आपने डीएनसी करवाई है, सफाई करवाई है, उस केसेस में भी अगर इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे इन्फेक्शन वाले सेप्टिक तरीके से, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं है, तो इन्फेक्शन जो है वो ट्यूब तक ट्रेवल करके ट्यूबल ब्लॉकेज भी हो सकती है। देन सम केसेस में अगर ट्यूबर क्लोसिस रहा है आपको बचपन से, कभी भी ट्यूबर क्लोसिस रहा है, उन केसेस में भी देखा गया है, जेनिटल ट्यूबर क्लोसिस रहा है तो भी हो सकता है। इन केस जेनिटल ट्यूबर क्लोसिस नहीं रहा है और वो ऑल ओवर बॉडी, लंग्स में या इंटेस्टाइन में कहीं पर भी ट्यूबर क्लोसिस रहा है, उन केसेस में भी ट्यूबर ब्लॉकेज जो है वो देखने को मिलती है। देन हाइड्रोसार्कम्स, जिसमें जो नलियाँ होती हैं उसमें पानी भर जाता है, आपके ट्यूब्स में जो है वो पानी भर जाता है, और जब भी पानी बहुत देर तक भरा रहता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, सोजिश होती है, और धीरे धीरे वो जो ट्यूब जो है उसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है। ये अलग अलग कारण हैं, हमें ढूंढना पड़ता है कि किस कारण से ये ट्यूबल ब्लॉकेज जो हुई है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंगली हमारे सेंटर पर ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर ट्यूबल प्रोसेस है उस अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर वो पानी पतला है, उसको सुखाने के लिए ऐसे बहुत तरह के हर्ब्स आते हैं जिसके मिक्सचर्स हम लोग यूज़ करते हैं, और हर्बल फॉर्मुलेशन से उसको साइड इफेक्ट कोई नहीं होता, आप उसको खाते हैं उन मेडिसिन, सो जिससे धीरे धीरे वो पानी जो है वो सूख जाता है, आपकी ट्यूब जो है ओपन हो जाती है। अगर इन्फ्लामेशन हो गई है ट्यूब में, या कोई स्कार्स हैं या एडहेशंस हैं, धीरे धीरे वो एडहेशंस को रिजॉल्व किया जाता है और उसके कॉज को भी ट्रीट किया जाता है किस कारण से वो हो रहा है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, बहुत से केसेस में एसिम्टोमेटिक रहता है, यानी कि आपको कोई भी सिम्टम नहीं आएगा, लेकिन आपकी ट्यूब जो है वो बहुत देर से ब्लॉक रहती है। लेकिन फिर भी कुछ जजमेंट के लिए कुछ 2 3 4 सिम्टम्स ऐसे देखे गए हैं जो हम पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज वाला पेशेंट आके बहुत बार बोलता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स मुझे पैल्विक पेन बहुत ज़्यादा होता है, एंडोमेट्रियोसिस।
उसको बोलते एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में भी ऐसा होता है। एंड एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम आपके बच्चे दानी में बनती है, जिसमें बच्चा मैंने बताया था एम्बेड हो जाता है, उसमें एम्ब्रियो एम्बेड हो जाता है, वो एंडोमेट्रियम ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कि वो बच्चेदानी के साथ साथ वो ट्यूब में भी बनने लग जाता है। जब वो ट्यूब में बनता है तो ट्यूब आगे ही पतली सी होती है, वो ट्यूब जो है वो नैरो होकर चिपक जाती है, उसमें एडहेशंस हो जाते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में ऐसा देखा गया। लेकिन पेशेंट को सिम्टम क्या था, बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल, कहीं को वॉमिट्स आ जाती हैं या सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देन कुछ केसेस में सिम्टम्स ऐसे जिससे हम जज कर सकते हैं वो है हाइड्रोसाल्पिंक्स की, जो उसमें भी पेन की कंप्लेंट करता है पेशेंट कि मेरे लोअर एब्डोमेन बहुत ज़्यादा पेन होता है डॉक्टर साहब, जब भी पीरियड्स आते हैं मेरे लिए सहन करना मुश्किल होता है, स्पेशली उन्हें टैबलेट लेनी पड़ती है, उन केसेस में ऐसा होता है। अब इसका डायग्नोस कैसे करें, कैसे पता लगे कि आपकी ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, इसके लिए सिंपल सा एक टेस्ट आता है, दैट इज HSG हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। इसमें एक डाई डाली जाती है आपके यूट्रस के अंदर, वो डाई जो है वो ट्रेवल करती है यूट्रस से ट्यूब में, अपने पैल्विस में जाके वो निकल जाती है। अगर तो वो डाई फिर उसको एक्सरे से उसको देखा जाता है, क्या वो डाई बड़े आराम से ट्रेवल कर रही है, अगर तो वो ट्रेवल करके पैल्विस में निकल जा रही है, इसका मतलब ट्यूब बिल्कुल ओपन है, उधर से खुली हुई है, पूरा उसका पैसेज क्लियर है। अगर वो कहीं से ब्लॉक है तो डाई सिर्फ उसी पॉइंट तक जाती है जहाँ पर आपकी ट्यूब जहाँ तक ओपन है। तो इससे एक्सरे से हमें डायग्नोज जो है HSG से बहुत अच्छे से हो जाता है। और बड़ी बार आप पूछते हो ये पेनफुल है कि नहीं है, जी हाँ थोड़ा बहुत ये पेनफुल है, इनकेस अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो यूट्रस पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि डाई बाहर नहीं निकल पाती, उस प्रेशर के कारण जो है वो पेन भी आपको कभी कभी फील हो जाता है। अदरवाइज अगर माइल्ड सेडेटिव्स यूज करो तो इसको इजीली आप करवा सकते हो। देन हम इसमें मॉडर्न में ट्रीटमेंट क्या है, लैप्रोस्कोपी के लिए बोला जाता है, जिससे आप वो एडहेशन को एक ऑपरेशन टाइप सर्जरी टाइप होता है जिससे वो ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके चांसेस ओपनिंग के जस्ट 15-20% होते हैं, 15-20% चांसेस ही होते हैं कि आपकी ट्यूब जिससे ओपन हो जाए। देन उसमें भी ऐसा होता है कि कॉज नहीं ट्रीट किया जाता, तो समटाइम्स अगर कारण कोई और है तो वो फिर से ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम अपने सेंटर पे क्या करते हैं कि हमें कुछ हर्बल फॉर्मुलेशंस एज पर पेशेंट जो भी कारण है उनका, जिसके कारण की ट्यूब्स ब्लॉक हुई है, उन कारणों के अकॉर्डिंगली ऐसे 350-400 तरह के वर्ब्स का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, एंड उस कॉम्बिनेशन को हम उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी ट्यूब्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। सेकेंडली कुछ पेशेंट्स में हम उत्तरवस्थी भी करते हैं, उत्तरवस्थी में हम यूट्रस के थ्रू कुछ ऐसे हर्बल डिकॉक्शंस या हर्बल फॉर्मुलेशंस जो हैं वो डालते हैं, जो कि उनके ट्यूब्स तक जाती हैं। तो वो मेडिसिन जब ट्यूब्स तक जाती हैं उसकी इंफ्लामेशन उसकी सोजिश को रोक देती हैं, लेकिन ये कुछ ही केसेस में रिक्वायर्ड है। अगर सिर्फ कॉर्नियल फिम्ब्रियल एंड ब्लॉक है तो उसमें हमें उत्तरवस्थी की जरूरत नहीं पड़ती है। इन केस अगर कॉर्नियल एंड भी ब्लॉक है, और एक और चीज़ अगर आपकी दोनों में से एक ट्यूब भी पेटेंट है और ठीक है, तो हाँ आप प्रेगनेंसी बहुत हद तक पॉसिबल हो सकती है। तो उसमें आपको ऑब्जर्व करना होता है ओवुलेशन स्टडी करवा के, कि अगर उसी जिस मंथ में उस साइड का एग बन रहा हो उस मंथ में आपको फर्टिलिटी के लिए ट्राई करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इन केस एनी क्वेश्चंस, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।